अच्छा डिनर और दारू पीएंगे। दारू में नहीं बोलना है। आज है 16 अगस्त, कल 15 अगस्त था और हमारे भारत का स्वतंत्रता दिवस था। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज है 16 अगस्त और आज है पारसी लोगों का न्यू ईयर, तो आप सभी को पारसी न्यू ईयर का शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और अभी हम लोग जा रहे हैं ऑफिस, मेरे ऑफिस में, और मेरे ऑफिस में एक मैडम है जिनका नाम है एनी मैम। तो मैम पारसी है, ऑफिस में कुछ थोड़ा बहुत पूजा वूजा वो करेंगी और उनसे मिलके बातें भी करेंगे कि पारसी लोग क्या करते हैं न्यू ईयर में, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जहाँ तक मैंने गूगल में सर्च करके देखा, नॉर्मली हम लोगों का क्या होता है 365 डेज का एक साल होता है, लेकिन पारसी लोगों का 360 डेज का होता है। वो लोग 5 दिन छोड़ देते हैं, वो 5 दिन ईयर एंडिंग में रख देते हैं और वो 5 दिन पारसी लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। तो इसी हिसाब से एक्चुअली 365 डेज ही है उनका कैलेंडर में, शायद मुझे पता नहीं, कैलेंडर में शायद 360 डेज होता है या सिर्फ 365 डेज होता है, लेकिन लास्ट का 5 दिन वो लोग श्राद्ध मनाते हैं अपने पूर्वजों के लिए। और उन लोग अग्नि का पूजा करते हैं अग्यारी में जाके। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जाते हैं ऑफिस और वहीं से मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। दोस्तों अभी आप लोगों ने जो स्पॉट देखा रास्ते में पहाड़ कटा हुआ है, वो वही जगह है जो कुछ दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ था। तो ये मलाडी है, ऑलमोस्ट कांदिवली मलाड के बीच में। दोस्तों गणपति का पंडाल लगना चालू हो गया है। इस बार कोरोना के वजह से कैसा गणपति होगा पता नहीं, लेकिन ये पहला पंडाल मैंने देखा है अभी, तो आगे भी शायद होंगे। गणपति तो होगा लेकिन इतना भीड़ कैसे होगा पता नहीं। जो बड़े गणपति है उनको तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने बोला कि मना के उनको गणपति फेस्टिवल मनाने के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं, बड़ा गणपति जहाँ पे आते हैं। तो छोटे मोटे गणपति शायद होंगे, घर पे तो होंगे, लेकिन जो मंडल वाले होते हैं उनका गणपति पता नहीं कौन कौन मनाएंगे और कौन नहीं मनाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए ऑफिस और यहाँ पे मैम आएंगी थोड़ी देर बाद और पूजा शुरू होगा। तो यहाँ पे हम लोग का महेन पहुँच गया है, महेन अभी साफ कर रहा है, ऑफिस तो साफ ही है। पूजा ख़त्म कर लिया है, हम लोगों ने बैठ के कॉफ़ी पिए, ये रही मैडम महेन। फिर मैडम ये कौन सा कॉफ़ी था आप लेके आए थे? साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी। तो मैडम लेके आई थी साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी। तो अभी बज रहे हैं कितना, ये तो 9 बज रहे हैं घड़ी में,
कितना बज रहा है? चार। हाँ ऑलमोस्ट चार बजने वाला है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऑफिस बंद करके घर जाने वाले हैं। हाय, नवरोज मुबारक। आपने आज क्या क्या किया दिन में? आज हम लोग अग्यारी गए, उधर नमाज करके लंच हल्का सा खाए। आज रात को पूरा फैमिली मिलके अच्छा डिनर और दारू पियेंगे। दारू में नहीं बोलना है। दारू प्रमोट कर रहे हैं, मत पियो दारू। हम लोग दारू प्रमोट नहीं करते हैं। तो वही करेंगे। तो महन, तेरा गांव का क्या हाल है अभी? मस्त है। क्या 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 गांव में घूमा टहला? घूमा? कोरोना में घूमने के लिए भेजा था तुझे? आने भी गया बीच पे। बीच पे? तेरा उधर कौन सा समुंदर है? समुंदर नहीं है, नदी है ना। हाँ, नदी का बीच। थोड़ी देर में हम लोग ऑफिस बंद करके निकल जाएंगे। पूजा खत्म हो गया, मैम चली गई, मायन चला गया, मैं भी गाड़ी में हूँ अभी। जाने से पहले मैं आप लोगों को पारसी समुदाय के बारे में एक दो चीजें बताना चाहता हूँ। तो आज से 1000 साल पहले ईरान में अरब हमलावरों से बच के ये समुदाय वहाँ से भाग निकले और वो लोग जाके तीन मेन कंट्रीज में बस गए, एक भारत, दूसरा अमेरिका और तीसरा ब्रिटेन में। तो इंडिया में भी, भारत में भी वो लोग गुजरात के थ्रू एंटर हुए थे, तब से ये समुदाय भारत का हिस्सा बन चुका है अभी। और मैंने पहले भी बताया कि ये कम्युनिटी आग का पूजा करते हैं अग्यारी में, और इनका आज नया साल था उनके कैलेंडर के हिसाब से। और ये कम्युनिटी धीरे धीरे कम हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। उनका मतलब पहले जितना लोग थे पारसी लोग, वो सिमट कर अभी कम हो रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी जो आज जिस स्टेज पे है, जो ग्रोथ हुआ है इसका, इसमें पारसी लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। इंडिपेंडेंस के बाद जो भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बोलिए या बिजनेसमैन बोलिए, उसमें से मैक्सिमम पारसी लोग थे। उन्होंने ही इंडियन इकोनॉमी को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद की। बाकी इंडियंस भी है, बाकी कम्युनिटीज़ भी है, लेकिन पारसी लोगों का सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ है। तो अभी जर्नी शुरू करते हैं, मैं घर जाता हूँ। और अभी बज रहे हैं 5 बजने वाले हैं, 4:42 हो गए। तो जल्दी जाते हैं क्योंकि अंधेरा हो जाएगा और पता ही है लॉकडाउन खुला है बंद है कुछ भी मुझे पता नहीं चलता है। घर पे रहता हूँ तो ऐसा लग रहा है लॉकडाउन है। बाहर आता हूँ तो मार्केट तो उतना खुला नहीं है, लेकिन रास्ते पे गाड़ी भीड़ भी लगता है। जितना जल्दी हो सके पहुँचते हैं। तो दोस्तों, अभी पहुंच गए हम लोग अपने घर के पार्किंग में। तो रास्ते पे मैंने अभी अंडा वाला देखा है, रास्ते पे मतलब सोसाइटी के अंदर ही, तो उससे अंडे लेके जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अभी आप लोग यहां तक देख चुके हैं तो एक लाइक दे दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक दबा सकते हैं और कॉमेंट जरूर कीजिए।